हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में जो है गोकू की पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ, और इस ड्राइंग को जो मैं ऑयल पेस्टल से बनाने वाला हूँ। और इसकी पिछली वीडियो जो है आउटलाइन की थी, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप देख सकते हो। और ये वीडियो जो है पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा है। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जो है भूले बिना लाइक कर देना। सो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो है यहाँ पर मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ करके जो है आउटलाइन को जो है लाइट कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो है बहुत ही कम प्रेशर के साथ हमें आउटलाइन को लाइट करना है, जैसे कि हमें कलर करते टाइम जो है दिख सके आउटलाइन, उतना लाइट करना है। अभी यहाँ पर फेस को कलर करने के लिए यहाँ पर मैं पीच कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और जो है रेफरेंस फोटो में हमें पीच कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट दिख रहा है। सो वहाँ पर मैं जो है पीच कलर के ऊपर वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा। सो आप वो वीडियो में आगे देखोगे ही, और मैं जो कलर का यूज़ करता हूँ वही कलर यहाँ पर यूज़ करना है हमें। अभी यहाँ पर मैं जो है पीच कलर के ऊपर जो है वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ पीच कलर को लाइट करने के लिए, और उसको ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड का यूज़ करना है। यहाँ पर फेस के लेफ्ट साइड में जो है पिंक कलर का इफ़ेक्ट आ रहा है, सो वहाँ पर मैं पिंक कलर, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं जो है रोज़ पिंक कलर का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं जो ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ। कॉटन बड पर जो है पीच कलर को यूज़ करना है, और जो है राउंड राउंड करके हमें ब्लेंडिंग करनी है। और यहाँ पर आउटलाइन को डार्क करने के लिए यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आईज़ में जो है कलर करने के लिए सबसे पहले मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और आई बॉल में जहाँ पर भी हमें ब्राउन कलर दिख रहा है वहाँ पर मैं लाइट ब्राउन कलर का यूज़ करने वाला हूँ, और ब्लैक कलर का भी यूज़ करूँगा। और इन सभी कलर को हमें ब्लेंड करने के लिए कॉटन बड का यूज़ करना है। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर से कर देना। हमारा फेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हेयर में कलर करने के लिए जहाँ पर येलो सा टोन है यहाँ पर मैं येलो ओकर कलर का यूज़ करूँगा, और जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज़ करने वाला हूँ। रेफरेंस फोटो में जहाँ पर वाइट हेयर है वहाँ पर मैं सिंपली वाइट कलर का ही यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि आप वीडियो में आके देखने वाले हो। बाकी जो है मैं जो जो कलर का यूज़ करने वाला हूँ वो आपको स्क्रीन पर भी उस कलर का नाम दिख जाएगा।